प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स को डिस्कस किया था, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। ठीक है, तो कुछ कुछ और और प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में कभी पूछ ली जाती हैं, ठीक है, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्रैमर रॉयल हैं, इक्वलिटी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रैमर रॉयल क्रैमर इक्वलिटी में इसके के बाद बाद हम हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे उसमें फिर हम बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसे हम कवर कर लेंगे। ठीक, सर दो एक माय में हमने बेस्ट जैसे मेथड ऑफ मेथड्स एस्टिमेशन की में बात बात किया किया था, था। तो मेथड ऑफ एस्टिमेशन में मेथड ऑफ हेलो मोमेंट्स, सर, सर दोनों माय फान है, एक बंद। हाँ सॉरी, ठीक है, अभी ठीक है आवाज, अभी ऑडियो यस ठीक है, सर, हेलो। यस सर, यस सर, हाँ ठीक है सर। सर, अब मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर नाउ ऑडिबल, नो प्रॉब्लम। मेरा ऑडियो क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो देखिए कुछ मेथड्स हमारे हैं, जैसे मेथड ऑफ मोमेंट, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड, तो ये हमने डिस्कस कर लिए थे, और मेथड ऑफ मिनिमम काई स्क्वायर और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस हमने डिस्कस किया था क्या होता है जब हम MBUE की बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसे हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रैमर राव इनइक्वलिटी क्या होती है ये हम डिस्कस करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे और पॉसिबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्रैमर राव इनइक्वलिटी का स्टेटमेंट ये सभी को पता है, जैसे आप लिखते हो इफ टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर सपोज गामा थीटा, ओके, गामा थीटा इज एनी पैरामेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, इफ टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा देन वेरिएंस ऑफ टी विल बी एटलीस्ट गामा डैश थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई थीटा, ओके, वेयर गामा डैश थीटा इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गामा थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड आई थीटा इज जनरली नोन एज फिशर्स इंफॉर्मेशन। फिशर्स इंफॉर्मेशन ये एग्जाम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है भाई, आई थीटा इज ऑल्सो नोन एज, तो ये है फिशर्स इंफॉर्मेशन, इट इज नोन एज फिशर्स इंफॉर्मेशन ऑन थीटा प्रोवाइडेड बाय द सैंपल, यानी सैंपल के थ्रू थीटा पे बेस्ड क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो आई थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थीटा जनरली हमें वेरिएंस बताता है, ये हमने देखा था जब मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर्स में जब हम MLEs का एसएमटोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है, लार्ज एन पे डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो ये नॉर्मल आता है विथ पैरामीटर ट्रू वैल्यू दैट मीन्स थीटा एंड इट्स वेरियंस इज गिवन बाई वन अपॉन आई थीटा। ठीक है, तो आई थीटा जनरली ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ऑन थीटा प्रोवाइडेड बाई सैंपल, ओके। तो क्रैमर रॉयल इनइक्वलिटी में क्या है भाई, कंडीशन क्या है, टी गामा थीटा का कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है, तो उस केस में टी का जो मिनिमम वेरिएंस होगा, मिनिमम वेरिएंस गामा डैश थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई थीटा होगा, तो कभी कभी हम इसे लोअर बाउंड भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज लोअर बाउंड ऑफ वेरियंस ऑफ टी और लोअर बाउंड ऑफ वेरिएंस ऑफ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो अब क्या ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी और किस पॉपुलेशन के लिए कंडीशंस होल्ड नहीं करती हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब प्रूफ पे तो नहीं जाएंगे इसका, ठीक है, प्रूफ तो नहीं करना है हमें, लेकिन कुछ रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने हैं क्या रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, इन केस अगर हमारे पास सपोज क्या है, इफ वी हैव गामा थीटा इक्वल टू थीटा,
ठीक है, हम पैरामेट्रिक फंक्शन पे सिंपल एक पर्टिकुलर केस कंसिडर कर रहे हैं, व्हेन गामा थीटा इक्वल टू थीटा, देन वी हैव गामा डैश थीटा इज इक्वल टू 1. इन दैट केस इफ टी इज अनबायस्ड फॉर थीटा, अनबायस्डनेस की कंडीशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी शुड बी इक्वल टू थीटा. तो इस केस में वेरियंस ऑफ टी इज गिवन बाय एटलीस्ट 1/i थीटा. सिंपली गामा डैश थीटा 1 हो गया, तो इसमें हम पुट करेंगे तो ये लोअर बाउंड हमें मिलेगा 1/i थीटा. ठीक है, सो दिस इज द लोअर बाउंड फॉर वेरियंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा. ओके, तो अब इसके लिए क्या होती हैं, कुछ रेगुलेटरी कंडीशंस होती हैं. ठीक है, ये रेगुलरिटी कंडीशंस क्या हैं? ठीक, अगर हम रेगुलरिटी कंडीशंस की बात करें तो रेगुलरिटी कंडीशंस मींस ऐसी कंडीशंस जिस पे ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी. ठीक है, अगर आप रेगुलरिटी कंडीशंस, कोई पॉपुलेशन ऐसा है जो इन रेगुलरिटी कंडीशंस को होल्ड नहीं करता है, तो उस केस में ये लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, या एग्जिस्ट भी करेगा तो आपको एब्सर्ड रिजल्ट मिलेंगे उस केस में. ठीक है, तो एब्सर्ड रिजल्ट क्या होते हैं, कैसे कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, किस पॉपुलेशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो रेगुलरिटी कंडीशन में जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इम्पोर्टेंट कंडीशन है रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर थीटा. यानी कोई भी ऐसी पॉपुलेशन है जहां पर रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या करती है, पैरामीटर पे डिपेंड करती है, तो उस केस में क्रेमर राव इनइक्वलिटी के थ्रू आप वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. जैसे इसका अगर बेस्ट एग्जांपल हम कहें, तो बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द पीडीएफ इज गिवन बाई 1/β-α एंड एक्स द रेंज ऑफ एक्स इज गिवन बाई α to β. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या है, पैरामीटर पे डिपेंड करती है. तो अल्फा और बीटा का कोई भी ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा यहाँ पर जिसके लिए ये वेरियंस 1/i थीटा आए. ठीक है, कोई भी ऐसा अल्फा का या अल्फा का कोई भी ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर टी या बीटा का कोई भी ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर टी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो क्रैमर राव इनइक्वालिटी के रेगुलरिटी कंडीशन को होल्ड नहीं करता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रैंडम वेरिएबल की रेंज पैरामीटर पे डिपेंड है. इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पर रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या होगी, पैरामीटर पे डिपेंडेंट होगी, तो उस केस में फिर क्रैमर रॉ इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा. ठीक है, सेकंड इम्पोर्टेंट कंडीशन है, सेकंड इम्पोर्टेंट कंडीशन है डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल एग्जिस्ट. तो ये लॉग एल यानी लॉग लाइक्लीहुड का थीटा के टर्म्स में फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में भी क्रैमर रॉ इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा. ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं. और थर्ड कंडीशन जिसे हम सफिशियंट कंडीशन कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रेमर राव इनइक्वलिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी, तो सिंपली आप क्या करिए, आई थीटा कैलकुलेट करिए. ठीक है, अगर आई थीटा एग्जिस्ट करता है, अब आई थीटा कब एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए कंडीशन है भाई, आई थीटा के लिए ये फॉर्मूला हमने देखा था, माइनस डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल 2 टाइम्स. इसकी एक्सपेक्टेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट एंड शुड बी नॉन नेगेटिव या शुड बी पॉजिटिव. ठीक है, तो इन तीन कंडीशंस पे, यानी कोई भी पॉपुलेशन में जिस पैरामीटर को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, उस पैरामीटर का कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उस केस में वो पॉपुलेशन अगर इन तीन कंडीशंस को होल्ड करेगी, तो उस केस में इस टी का जो वेरिएंस होगा, इस टी का मिनिमम वेरिएंस ये 1/i थीटा होगा इन केस ऑफ पैरामीटर थीटा. अगर पैरामीटर हमारा क्या है, कोई पैरामेट्रिक फंक्शन है, सपोज पैरामेट्रिक फंक्शन गामा थीटा की बात हो रही है, तो उस केस में ये इनइक्वलिटी हो जाएगी, वेरिएंस ऑफ टी ग्रेटर देन और इक्वल टू गामा डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा.
ठीक है, तो ये तीन इंपोर्टेंट कंडीशन है, रेगुलरिटी कंडीशंस। ठीक, तो इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, तो अब देखिए यहाँ से कुछ रिजल्ट हमारे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो क्या रिजल्ट डेवलप होते हैं, हम रिजल्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अब जनरली आपको पता है भाई, हम सैंपल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, पैरामीटर थीटा को एस्टिमेट करने के लिए हमने क्या किया, एक सैंपल कंसिडर किया। तो इस सैंपल का जॉइंट पीडीएफ, ठीक है, जॉइंट पीडीएफ, ये हम इसे क्या कहते हैं, लाइकलीहुड फंक्शन कहते हैं। दिस इज आवर लाइकलीहुड फंक्शन, एंड लाइकलीहुड फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन एज वेल एज द फंक्शन ऑफ ए पैरामीटर और फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो एल से इसे डिनोट करें, तो एल एक्स वेक्टर कॉमा थीटा। एक्स वेक्टर इज सिंपली द सैंपल ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको मैं इस तरह से नोट कर रहा हूँ। सो एल एक्स वेक्टर थीटा इज गिवन बाई प्रोडक्ट आई वन टू एन एफ एक्स आई कॉमा थीटा। ओके, तो अब एल को हमने क्या किया भाई, ये जॉइंट पीडीएफ है ना, पीडीएफ है, तो ये क्या करना चाहिए, पीडीएफ की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। पीडीएफ की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आएगी, दिस लाइकलीहुड फंक्शन मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, हमने देखा था भाई, कोई भी फंक्शन, कोई भी एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या होगा, पीडीएफ होगा या प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, जब ये दो कंडीशंस को होल्ड करेगा। पहली कंडीशन, दिस एफ एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव, एंड सेकेंड कंडीशन, द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन और समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू वन। इंटीग्रेशन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एंड वी टेक समेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो अब ये लाइकलीहुड फंक्शन क्या है, बेसिकली जॉइंट पीडीएफ है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन के कंडीशंस को होल्ड करेगा, तो ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर ये जो पीडीएफ है, अगर पीडीएफ हमारा डिस्क्रीट है, तो सॉरी अगर कंटिन्यूअस है, तो इस केस में इसका जो एन फोल्ड इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर हम एन फोल्ड इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, तो एन फोल्ड इंटीग्रेशन में ही समझ लो इसे, एन फोल्ड इंटीग्रेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये क्या है, x1 x2 xn पे बेस्ड है। ठीक है, हमने ये भी देखा था जब हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, एफ एक्स वाई की बात कर रहे थे, तो वहां पर हम देखते थे भाई ये फंक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा जब इसका डबल इंटीग्रेशन क्या होगा, वन होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर डिस्क्रीट है, तो डबल समेशन एफ एक्स वाई ये क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर अब एन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, तो इन केस ऑफ एन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, द एन फोल्ड इंटीग्रेशन ऑफ द लाइकलीहुड फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू वन व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। ओके, in similar way, if the distribution is discrete, then we have summation, n fold summation of this likelihood function equal to 1. तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ये प्रॉपर्टी इस तरह से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर देखना है लाइकलीहुड फंक्शन सिंपली क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो वो इन दो कंडीशंस को होल्ड करेगा। ठीक, अब जब हम बात कर रहे हैं रेगुलरिटी कंडीशंस की, तो अगर हम कहें यहाँ पर अंडर रेगुलरिटी कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है, फर्स्ट कंडीशन में हमने कहा भाई जो रेंज है इंटीग्रेशन की, वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इन दैट केस वी कैन डिफ्रेंशिएट अंडर द इंटीग्रल साइन।
okay, we can differentiate the function under the integral sign. Like if we have fx, which is a probability function, and we know that the range of random variable is independent of theta. Okay, the range of x is independent of theta, then integration fx dx is equal to, or d by dx, okay, d by dx of integration fx dx is equal to integration d by dx fx dx. ये condition hold करेगी. ये hold कब करेगी? जब x की range क्या होगी? Theta के independent होगी. Sorry, यहाँ पर जो differentiation होगा वो theta के terms में हम करेंगे, parameter के terms में करेंगे. ठीक है? अब अगर random variable की range क्या हो जाती है? Random variable की range थीटा पे डिपेंड करेगी, तो उस केस में आप इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करिए, इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करिए, तो ये दोनों क्या आएंगे? इक्वल नहीं आएंगे. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, फर्स्ट केस में पहले आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर पहले आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन को थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन इंटीग्रेट कर रहे हैं. ठीक, तो दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, अब ये डिफरेंस बेसिकली क्या होगा? इक्वल होगा. कब इक्वल होगा? जब रेंज ऑफ एक्स क्या होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगी. क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, तो ये इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में होगा? एक्स की रेंज के टर्म्स में होगा. अब अगर एक्स की रेंज थीटा पे डिपेंड करेगी, जैसे आप यूनिफॉर्म पॉपुलेशन को ही ले लें, तो यहाँ पर ये रेंज अल्फा टू बीटा हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पर ये रेंज अल्फा टू बीटा होगी, तो ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे? आपके डिफरेंट आएंगे इस केस में. क्यों? क्योंकि x की रेंज क्या है? थीटा पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट रेगुलरिटी कंडीशन है वो यही है कि भाई रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या होनी चाहिए? थीटा के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सो दैट कि हम क्या कर सकें? इंटीग्रेशन साइन के अंदर डिफरेंशिएशन कर सकें. ठीक है, तो इस केस में तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो हमारे पास इस तरह का इंटीग्रेशन है. ठीक है, L dx इक्वल टू वन. ठीक, ये इंटीग्रेशन है, और ये जो PDF जो लाइक्लीहुड फंक्शन है, ये जिस PDF पे बेस्ड है, वो उस PDF की रेंज x के इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. तो जब थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये डेल वाई डेल थीटा ऑफ इंटीग्रेशन L dx इक्वल टू जीरो होगा. वन का थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएशन जीरो होता है. ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब इस डिफरेंशिएशन को हम अंदर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन की रेंज क्या है? पैरामीटर के इंडिपेंडेंट है. तो इस केस में ये डेल बाई डेल थीटा एल डी एक्स इक्वल टू जीरो, इसे इतना लिखा जा सकता है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है उस फॉर्म में लिखें, तो इसे लिख सकते हैं डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल इनटू एल डीएक्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, इतना लिखा जा सकता है. सिंपली मैंने क्या किया, लॉग एल यहाँ पे ले लिया, तो लॉग एल का जब डिफरेंशिएशन करेंगे एल के टर्म्स में, तो ये लॉग एल का डिफरेंशिएशन एल के टर्म्स में, सॉरी थीटा के टर्म्स में, ठीक है, ये आएगा डेल वन बाई एल इंटू डेल बाई डेल थीटा ऑफ एल. ठीक है, इस तरह की वैल्यू आएगी. तो इस केस में ये एल हमारा बैलेंस हो गया, तो यही क्वांटिटी हमें मिलनी है जनरली. तो यहाँ से एक रिजल्ट और फॉलो होता है. ठीक है, इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल इक्वल टू जीरो. अब जो डेल वाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल होगा, वो क्या होगा? सैंपल ऑब्जर्वेशंस का कोई फंक्शन होगा, है ना? तो सैंपल ऑब्जर्वेशंस का फंक्शन है, तो ओबीएस है भाई, ये डेल वाई डेल थीटा लॉग एल, ये क्वांटिटी क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है. अब ये रैंडम वेरिएबल है, एल पे बेस्ड है, और एल इसका पीडीएफ है. अभी हमने ऊपर देखा था, एल इज ए जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी से, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स इन केस ऑफ कंटिन्यूअस पॉपुलेशन. तो यहाँ पर हम एक जनरल कंसिडर कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, कंटिन्यूअस है. तो उस केस में
डेल बाई डेल थीटा लॉग एल एक रैंडम वेरिएबल होगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो जब भी आप देखो कहीं पर डेल बाई डेल थीटा लॉग एल की एक्सपेक्टेशन अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए दी जाए, तो आप सीधे उसे क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पॉपुलेशन के लिए डेल बाई डेल थीटा लॉग एल की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने के लिए कही गई है, उस पॉपुलेशन में रैंडम वेरिएबल की रेंज थीटा के इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर थीटा के इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट रिजल्ट फॉलो होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा लॉग एल इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक। इसी तरह से सेकंड रिजल्ट हम क्रेमर राव इनइक्वालिटी की कंडीशन से डिफाइन कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या कहती है, सीधी सीधी कंडीशन है भाई, टी थीटा का एस्टिमेटर है बट ये क्या है, अनबायस्ड है, ठीक है। इफ टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ये स्टेटमेंट में आप कहते हो, तो टी थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो इसका मतलब अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू क्या है, थीटा है, ठीक। और साथ में टी फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस है और सैंपल ऑब्जर्वेशंस का पीडीएफ एल है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, टी इंटू एल डीएक्स इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से लिखें, तो यहाँ से फिर हम अगर डिफरेंशिएशन अप्लाई करें, तो डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो डेल वाई डेल थीटा ऑफ टी एल डी एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये डेल वाई डेल थीटा ऑफ एल डी एक्स इक्वल टू वन, और फर्दर हम इसे उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, टी इंटू डेल वाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल इंटू एल डी एक्स, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से एक और रिजल्ट हमें मिला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इंटू डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल इक्वल टू वन व्हेन टी इज अनबायस्ड फॉर थीटा, ठीक है। जब कोई एस्टिमेटर टी है, ये टी अगर थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो उस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इंटू डेल बाई डेल थीटा लॉग एल ये कितना होगा, वन होगा, ठीक। इसी तरह से इफ टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इंटू डेल बाई डेल थीटा लॉग एल ये कितना होगा इस केस में, कोई बता सकता है? इफ टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इंटू डेल बाई डेल थीटा लॉग एल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी? जीरो? नो, दिस विल बी इक्वल टू गामा डैश थीटा, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गामा थीटा, ओके। ये रिजल्ट यहाँ से फॉलो करेगा। आप क्या कह रहे हो, टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, सो वी हैव गामा थीटा इन केस इन प्लेस ऑफ थीटा, ओके, सो वी जस्ट रिप्लेस दिस एवरीवेयर इन दिस इक्वेशन। सो वेन वी पार्शली डिफ्रेंशिएट गामा थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट गामा डैश थीटा इंस्टेड ऑफ वन, सो दिस इज इक्वल टू गामा डैश थीटा, दिस इज इक्वल टू गामा डैश थीटा, ओके। सो द रिजल्ट, ये समझ में आया सबके? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो इन्हें आप याद रखो, या तो फिर कैसे हम इसे अप्लाई कर रहे हैं वो समझो। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कैसे ये रिजल्ट डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आए, एक तो रिजल्ट ये आया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल,
दिस इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो होगा है, ये आप याद रखना। दूसरी प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इंटू डेल बाई डेल थीटा लॉग एल इक्वल टू गामा डैश थीटा व्हेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू गामा थीटा। ओके ये याद रहेगा रिजल्ट। क्यों तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये आई थीटा हम लिखते हैं, ठीक। आई थीटा तीन तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके तीन फॉर्मूले हैं। तो आई थीटा कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल बाय डेल थीटा लॉग एल होल स्क्वायर, ठीक है। इसी में जब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल टू टाइम्स। तो ज़्यादातर आप इस फॉर्मूले को यूज करिए आई थीटा कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा इजी होता है। इसमें सिंपली क्या करना है, लॉक लाइकलीहुड डेवलप करना है और लॉक लाइकलीहुड को थीटा के टर्म्स में दो बार डिफ्रेंशिएट करके माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जो क्वांटिटी आएगी उसका एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ईजी रहता है। और इसी में अगर इसको पी डी एफ की फॉर्म में लिखें तो पी डी एफ की फॉर्म में ये हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सॉरी एन इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल वाई डेल थीटा ऑफ लॉग एफ एक्स कॉमा थीटा होल स्क्वायर, ठीक। तो आई थीटा को आप इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आई थीटा की फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, और पूछी भी गई है बहुत सारे एग्जाम्स में, ये फॉर्म पूछी गई आई थीटा की, ठीक है। तीनों फॉर्म दी थी और लास्ट ऑप्शन था ऑल द अबव, ठीक है। तो आंसर होगा वहां पर ऑल द अबव, ठीक। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब जनरली जो यूज करते हैं हम कैलकुलेशंस के लिए वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस डेल वाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल टू टाइम्स, इसे हम ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि ये इजी फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्रेमर रॉ इनइक्वालिटी। तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्रेमर रॉ इनइक्वालिटी को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ कैसे करते हैं ये आप देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है इसका, तो उसे आप देख लीजिए अगर आपको प्रूफ समझना है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम पे इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं, ठीक। तो अब इनइक्वालिटी हमारे पास है, वेरियंस ऑफ t is greater than or equal to gamma dash theta whole square divided by i theta, ठीक है। अब प्रैक्टिकली ये क्या बताता है भाई, अगर t क्या है, किसी पैरामेट्रिक फंक्शन का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो उस केस में जो t का मिनिमम वेरियंस होगा, यानी इस वैल्यू से फर्दर हम वेरियंस को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी जो इस अनबायस्ड एस्टिमेटर टी का मिनिमम वेरियंस होगा वो कितना होगा, गामा डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा होगा। तो ये क्वांटिटी हमारी लोअर बाउंड होती है, दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड फॉर वेरियंस ऑफ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा और गामा थीटा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पर इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, ठीक है, यानी कोई एस्टिमेटर हमें ऐसा मिले जो इस वेरियंस को क्या करे, अटेन करे। तो ये वेरियंस अटेनेबिलिटी कब आती है, किस कंडीशन पे आती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को पता है या नहीं पता है, क्या कंडीशन होती है वेरियंस अटेनेबिलिटी की, द कंडीशन ऑफ वेरियंस अटेनेबिलिटी इन केस ऑफ सी आर इनइक्वालिटी, कोई बता सकता है। क्रेमर रॉ इनइक्वालिटी हमने नोट की है और ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है, तो इसमें इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा, ये इनइक्वालिटी इक्वलिटी में कब कन्वर्ट होगी, किस केस में कन्वर्ट होगी,
बता सकते हैं आप लोग कोई? सर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लाइक्लीहुड इज इक्वल इज लीनियरली रिलेटेड विद डिफरेंस बिटवीन टी क्या होगा? माइनस गामा थीटा डी 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 डेल्टा डेल्टा सर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लाइक्लीहुड इज लीनियरली रिलेटेड टू टी माइनस गामा थीटा ओके, इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड लीनियरली रिलेटेड टू टी माइनस गामा थीटा। गॉट यस ओके ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह रहे हैं भाई, डेल बाई डेल थीटा लॉग एल शुड बी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस गामा थीटा। ठीक है, यानी डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल और टी माइनस गामा थीटा ये दोनों अगर प्रोपोर्शन में हैं तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा। अब किस कंडीशन पे बेस्ड यहाँ पर इक्वलिटी साइन होल्ड करता है? तो हम कहते हैं भाई ये कॉसी स्वार्ड्स इनइक्वलिटी है, ठीक है, तो कॉसी स्वार्ड्स इनइक्वलिटी के बेसिस पे यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कब इस इनइक्वलिटी में इक्वलिटी होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम नोट करें तो इस इनइक्वलिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, गामा डैश थीटा होल स्क्वायर दिस इज लेस देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टी into expected value of del y del theta log l whole square। ठीक है, i theta है, i theta की मैंने first form note कर ली, i theta की हमारे पास three forms हैं, first form ये है, ठीक, second form ये है, third form ये है, तो first form में यहाँ पे note कर रहा हूँ। ठीक, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्रेमर राव इनइक्वलिटी को। क्यों? अब जब गामा डैश थीटा की बात हो रही है तो गामा डैश थीटा अभी हमने एक रिजल्ट डेवलप किया था, तो उसी रिजल्ट के बेसिस पे मैं क्या करूं, गामा डैश थीटा को इस तरह से लिख सकता हूं। देखो गामा डैश थीटा ये वैल्यू था, ठीक है, तो इसे लिखा जा सकता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इंटू डेल वाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू वेरियंस ऑफ टी, एंड वेरियंस ऑफ टी कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस गामा थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन है क्रेमर रॉय इनइक्वलिटी की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू गामा थीटा एंड वी हैव वेरियंस ऑफ टी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, and this is expected value of del by del theta log l whole square। ठीक है, तो इस फॉर्म को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, expected value of t minus gamma theta, ठीक, into del by del theta log l whole square लिख सकते हैं ना। क्यों? इस रिजल्ट को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इंटू डेल बाई डेल थीटा लॉग एल होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस गामा थीटा इंटू डेल बाई डेल थीटा लॉग एल होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखोगे t into del by del theta log l whole square, इसकी expectation तो gamma dash theta square हो जाएगी और expected value of gamma theta into del by del theta log l whole square। अब gamma theta तो constant है, expectation से बाहर आएगा, अंदर रहेगा expected value of del by del theta log l whole square, this is equal to zero। ठीक है, expected value of del by del theta log l, अभी हमने एक result और proof किया है ऊपर, expected value of del by del theta log l is equal to zero, तो यहां से इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है,
तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस गामा थीटा होल स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाय डेल थीटा लॉग एल होल स्क्वायर। अब क्वासी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पे आते हैं, तो हमने देखा था क्वासी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी समेशन ए आई बी आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू समेशन ए आई स्क्वायर सॉरी समेशन ए आई स्क्वायर इंटू समेशन बी आई स्क्वायर। ये क्वासी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, क्वासी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर्स। तो एक रिजल्ट हमने इस पे डिस्कस किया था, इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी साइन कब होल्ड करेगा? कॉसी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में इक्वालिटी साइन कब होल्ड करता है, क्या कंडीशन होती है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वालिटी साइन इन कॉसी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी? ये बड़े डिटेल में हमने डिस्कस किया था। कोई बताएगा? हाँ, ये कंडीशन हमने बताई थी भाई, यहाँ पर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी साइन होल्ड करेगी जब ए आई क्या होगा, बी आई के प्रोपोर्शन में होगा। दैट मीन्स ए आई अपॉन बी आई शुड बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब इस इनइक्वालिटी को आप देखिए, ये इनइक्वालिटी क्या है, कॉसी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के ही फॉर्म में है ना। एक्सपेक्टेशन का मतलब समेशन से ही होता है, समेशन से ही तो आप एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करते हो। जो प्रैक्टिकली आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कह रहे थे, तो प्रैक्टिकली ये क्या था, एक्स बार के इक्वल था, एंड एक्स बार इज इक्वल टू समेशन सॉरी वन अपॉन एन समेशन एक्स। ओके, तो ये दिस इनइक्वालिटी इज आइडेंटिकल टू कॉसी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, वेयर ए इज इक्वल टू टी माइनस गामा थीटा एंड बी is equal to del by del theta of log l। ठीक है, तो इस केस में इनइक्वालिटी साइन, ये इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी साइन कब होल्ड करेगा, जब a और b प्रोपोर्शन में होंगे। दैट मीन्स डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल शुड बी प्रोपोर्शन टू t माइनस गामा थीटा, यही होगा। क्यों? तो अगर यहाँ पर हम इक्वलिटी साइन कंसिडर करें, तो इसका मतलब है भाई डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल अपॉन टी माइनस गामा थीटा, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम कह देते हैं, इस तरह की फॉर्म में लिख लेते हैं, टी माइनस गामा थीटा अपॉन लैम्डा थीटा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वलिटी इन क्रेमर राव इनइक्वलिटी। ठीक है, तो कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर, गामा थीटा का कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर, वो लोअर बाउंड को अटेन करेगा। कब अटेन करेगा? व्हेन डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टी माइनस गामा थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा थीटा। क्लियर? इतना समझ में आया सबको? ठीक है, इसे हम कह सकते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ अटेनेबिलिटी ऑफ लोअर बाउंड, अटेनेबिलिटी ऑफ लोअर बाउंड इन क्रेमर राव इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हमने देखी थी, और यही मेथड हमारा क्या कहलाता है, मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस हमने इसे कहा था, मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस। तो इस मेथड से हमें क्या मिलेंगे, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है हमारे पास, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को पैरामीटर के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो यहाँ से ये रिजल्ट मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू गामा थीटा विद वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल टू लैम्डा थीटा एंड टी इज
एम भी यू ई ऑफ गामा थीटा और टी इज एम भी बी ई ऑफ गामा थीटा. एम भी बी ई इज मिनिमम वेरियंस बाउंड एस्टिमेटर. एज वी हैव सीन दैट दिस कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ अटेनेबिलिटी ऑफ लोअर बाउंड. सो वी कैन से दैट टी इज एम वी वी, दैट मीन्स टी इज मिनिमम वेरियंस बाउंड एस्टिमेटर. ओके, टी क्या करता है इस केस में, क्रमर राव इनइक्वालिटी की जो लोअर बाउंड है. अब लोअर बाउंड क्या थी, सिंपली वेरियंस ऑफ टी, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गामा डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा. ये था, ठीक है. अब जो एस्टिमेटर है उसे आप अगर इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यानी डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल की फॉर्म है टी माइनस सपोज टी माइनस गामा थीटा अपॉन लैम्डा थीटा, इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये इनइक्वलिटी सिंपली क्या हो जाएगा, इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दिस वुड बी इक्वल टू लैम्डा थीटा. फिर आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अलग से. आपने क्या किया, डेल बाय डेल थीटा लॉग एल फाइंड किया, इसे इस फॉर्म में लिख लिया, तो ये जो लैम्डा थीटा है यही क्या है, गामा डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा की फॉर्म है. क्लियर, इतना समझ में आया सबको? इतना सभी को क्लियर है? यस सर. तो कुछ रिजल्ट हैं यहाँ पर क्रेमर राव इनइक्वालिटी के जो आपको ध्यान में रखने हैं, और ये रिजल्ट रेगुलरिटी कंडीशन पे बेस्ड हैं. तो कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पर रेगुलरिटी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, तो वहाँ पर क्रेमर राव इनइक्वालिटी भी होल्ड नहीं करेगी और आप इस तरह के एस्टिमेटर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है. इसके एग्जांपल मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, जैसे यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है या कॉशी पॉपुलेशन है, ठीक है. इन केसेस में या तो लाइक्लीहुड फंक्शन होल्ड नहीं करेगा या डेल बाय डेल थीटा लॉग एल की फॉर्म टी माइनस गामा थीटा अपॉन लैम्डा थीटा की फॉर्म में नहीं आएगी, ठीक. तो एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं. ये एग्जांपल एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है. हमें एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन गिवन थी एफ एक्स थीटा इक्वल टू 1 बाय थीटा ई टू द पावर माइनस एक्स बाय थीटा वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक. तो क्वेश्चन है फाइंड एम वी पी ऑफ थीटा, ठीक. एम बी बी ऑफ थीटा, फाइंड एम बी वी ऑफ थीटा एंड ऑब्टेन इट्स वेरियंस, ठीक है. तो ये क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन में हमें एक पॉपुलेशन गिवन है, ठीक. और पॉपुलेशन में ये तो क्लियर है भाई, रैंडम वेरिएबल की रेंज पैरामीटर पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है. तो इस केस में हमें क्या करना है, थीटा के लिए एम बी बी ई फाइंड करना है और साथ में फिर उसका वेरियंस भी फाइंड करना है, ठीक है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो कंडीशन है इक्वलिटी साइन के लिए, कंडीशन क्या है, डेल वाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल इक्वल टू टी माइनस थीटा. अगर गामा थीटा को हम थीटा ले लें तो ये टी माइनस थीटा अपॉन लैम्डा थीटा इस तरह की फॉर्म आएगी. तो इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है. तो हम देखते हैं सॉल्व करके, सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन बना लें. तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बनेगा इस केस में, 1 बाई थीटा टू दी पावर एन इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 बाई थीटा इंटू समेसन एक्स, यही बनेगा. और लॉग लाइक्लीहुड लें इसका, तो लॉग ऑफ एल दिस इज इक्वल टू माइनस एन लॉग थीटा माइनस 1 बाई थीटा समेसन एक्स, ठीक है. लॉग लिया, लॉग एम बाई एन की फॉर्म और लॉग एम टू दी पावर एन की फॉर्म से इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है.
यहाँ से अब थीटा के लिए हमने एम बी वी फाइंड करना है, तो डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल कैलकुलेट करेंगे, तो लॉग थीटा का थीटा के टर्म्स में फर्स्ट डेरिवेटिव ये 1/थीटा, एंड 1/थीटा का थीटा के टर्म्स में फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 1/थीटा स्क्वायर, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, दिस इज समेशन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम थीटा एलसीएम ले लें तो कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा समेशन एक्स माइनस एन थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है, थीटा स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये समेशन एक्स माइनस एन इंटू थीटा ये मिला। एन से अगर डिवाइड कर दें तो एक्स बार माइनस थीटा, हमें इसी फॉर्म में चाहिए था, एक्स बार माइनस थीटा टी माइनस थीटा की फॉर्म में चाहिए, अपॉन थीटा स्क्वायर बाई एन। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल ये टी माइनस थीटा अपॉन लेमडा थीटा की फॉर्म में ले आए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू थीटा विद वेरियंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाई एन। ठीक है, अब हमें अलग से ये वेरियंस ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/i थीटा ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे जब 1/i थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो थीटा स्क्वायर बाई एन के इक्वल ही आएगा, यानी कहने का मतलब है एक्स बार क्या है यहाँ पर, एक्स बार इज एन एम बी बी फॉर थीटा, ये मिनिमम वेरियंस बाउंड एस्टिमेटर है। ठीक है, इसी तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप एम बी भी फाइंड कर सकते हो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो और भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो आप देख लेना, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर थीटा का कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है, सपोज वो क्या है, टी है। ठीक है, तो सपोज टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इन केस ऑफ कॉसी पॉपुलेशन, सो दिस टी इज नॉट एन एम वी वी, ये टी क्या होगा, एम वी वी नहीं होगा, क्योंकि हम डेल बाई डेल थीटा लॉग एल इसे टी माइनस थीटा अपॉन लैम्डा थीटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो इस केस में ये टी भले ही एग्जिस्ट करे, अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करे, लेकिन ये एम बी बी नहीं होगा। ठीक है, अब एम बी बी नहीं है तो यहाँ पर अब देखिए क्या यूज है क्रेमर राव इनइक्वालिटी का, एम बी बी नहीं होते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, इस टी का मिनिमम वेरियंस बता सकते हैं। तो इस टी का मिनिमम वेरियंस क्या होगा, 1/i थीटा होगा, जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2/n आता है। ठीक है, तो कॉसी सॉरी कॉसी पॉपुलेशन में अगर पैरामीटर थीटा है तो थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर टी है, और इस टी का मिनिमम वेरियंस कितना होगा, 2/n होगा, लेकिन कोई भी ऐसा एस्टिमेटर नहीं होगा जो इस वेरियंस को अटेन करेगा, यानी एम बी बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डेल बाय डेल थीटा लॉग एल को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी कोई चीज नहीं समझ में आई हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सब समझ में आ रहा है। क्यों, ओके okay. तो ये तो था क्रेमर राव इनइक्वालिटी एंड मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस एंड मेथड ऑफ फाइंडिंग मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर्स। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम है यहाँ पर रेगुलरिटी कंडीशंस। ठीक है, अब क्रेमर रॉ इनइक्वालिटी में हमने क्या बना दिया भाई, पहले ही दो तीन दो कंडीशंस तो ऐसी बना दी जो हर पॉपुलेशन
उस कंडीशंस को होल्ड नहीं करती हैं, जैसे रेंज ऑफ इंटीग्रेशन या सॉरी रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसमें हमने देखा भाई यूनिफॉर्म पॉपुलेशन इसको फॉलो नहीं करती है ना। इसी तरह से डबल एक्सपोनेंशियल फैमिली से पजेस नहीं होल्ड नहीं करेगी। ठीक, तो इस तरह के केसेस में जहाँ पर रेगुलरिटी कंडीशंस डिस्ट्रीब्यूशंस होल्ड नहीं करते हैं, वहाँ पर कैसे हम मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड करें। तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है, मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड एस्टिमेटर हमें फाइंड करना है, एमबीयूई फाइंड करना है। ठीक, तो एमबीयूई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सफिशियंट एस्टिमेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी तक अगर हम रिजल्ट को समराइज करने की कोशिश करें, ठीक है, तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एमबीयूई, अगर ये बात करें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एमबीयूई, सो वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज यूजिंग क्रेमर राव इनइक्वालिटी एंड सेकेंड वन इज यूजिंग सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यूजिंग क्रेमर राव इनइक्वालिटी ये मेथड हमारा कहलाता है मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस। ठीक है, और यूजिंग सफिशियंट स्टैटिस्टिक ये कहलाता है ब्लैकवेलाइजेशन, या इसे राव ब्लैकवेल थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो एमबीयूई क्या कर सकते हैं, हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूजिंग क्रेमर राव इनइक्वालिटी विद सम रेगुलरिटी कंडीशंस। ओके, सो द मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस एंड द सेकंड मेथड इज विद द यूज ऑफ सफिशियंट स्टैटिस्टिक। एंड दिस मेथड इज जनरली नोन एज, या दिस प्रोसीजर इज नोन एज ब्लैकवेलाइजेशन। ओके, तो ब्लैकवेलाइजेशन क्या होता है, इसे डिस्कस करने से पहले मिनिमल सफिशियंट स्टैटिस्टिक क्या होती है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई बता सकता है मुझे मिनिमल सफिशियंट स्टैटिस्टिक क्या होती है, व्हाट इज मिनिमल सफिशियंट स्टैटिस्टिक? कोई बता सकते हैं मिनिमल सफिशियंट स्टैटिस्टिक क्या होगी? किसी स्टूडेंट को पता हो? सुना है पहले आप लोगों ने मिनिमल सफिशियंट स्टैटिस्टिक के बारे में? सुना तो होगा। नहीं पता? अच्छा, सुना ही नहीं है। ओके, सो मिनिमल सफिशियंट स्टैटिस्टिक इज द सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स विच कांट बी फर्दर रिड्यूस्ड विदाउट लूजिंग द सफिशियंसी। ओके, यानी एक ऐसा स्टैटिस्टिक है जिसे हम फर्दर कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, और अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वो सफिशियंसी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज समेशन एक्स आई क्या है, थीटा का सफिशियंट स्टैटिस्टिक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने क्या किया, ये 10 ऑब्जर्वेशन पे बेस लिया। ठीक, सपोज मेरे पास सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 10 ऑब्जर्वेशन हैं। तो अब मुझे लग रहा है यार मैं 10 ऑब्जर्वेशंस का सम कैलकुलेट कर रहा हूँ और ये इसके लिए सफिशियंट है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दो तीन ऑब्जर्वेशन यहाँ से रिड्यूस कर दूँ? यानी मैंने क्या किया, समेशन i127 ले लिया एक्स आई, तो क्या ये थीटा का एस्टिमेटर है, सॉरी थीटा का सफिशियंट एस्टिमेटर है? ठीक है, तो फर्दर इसे मैं रिड्यूस करना चाहूँ, फिर मैं कह सकता हूँ भाई मैंने क्या किया, सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ये सम लिया, तो क्या ये थीटा का सफिशियंट एस्टिमेटर है? ठीक, तो आपने देखा, देखो थीटा के तीन एस्टिमेटर बना लिए, एक तो है एस्टिमेटर सफिशियंट एस्टिमेटर बेस्ड ऑन 10 ऑब्जर्वेशंस, फिर है एक एस्टिमेटर, अब ये
सफिशियंट है या नहीं है इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? तभी आपको मिनिमल सफिशियंट स्टेटिस्टिक समझ में आएगा, ठीक? सपोज क्या है, सपोज समेशन i1 to 10 xi इज सफिशियंट फॉर थीटा, इस केस में ये समेशन xi क्या है, सफिशियंट है, ठीक? अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस को रिड्यूस कर दिया, यानी इस स्टेटिस्टिक को कंप्रेस कर दिया और फिर इसे फर्दर कंप्रेस किया, ठीक है? अब जब कंप्रेस में कर रहा हूं तो यहां पर मैंने क्या किया, 3 ऑब्जर्वेशन रिमूव कर दिए, यहां मैंने 5 ऑब्जर्वेशन रिमूव कर दिए, इस केस में 5 ऑब्जर्वेशन रिमूव कर दिए, ठीक है? तो अब अगर ये समेशन xi थीटा का सफिशियंट एस्टिमेटर नहीं आता है, आप इसे प्रूफ करोगे, इफ दिस एस्टिमेटर इज नॉट सफिशियंट फॉर थीटा, देन दिस एस्टिमेटर समेशन i 1 टू 10 xi इज मिनिमल सफिशियंट फॉर थीटा. That means we can't further reduce this estimator. Clear हुआ सबको क्या है minimal sufficient statistic? फिर चाहे आप इसे इसमें reduce करो, चाहे इसमें reduce करो, ये sufficient नहीं आएंगे. सिर्फ क्या होगा, यही sufficient होगा. तो इस case में हम कहेंगे भाई summation xi क्या है, minimal sufficient statistic है. That means we can't further reduce this estimator into some another estimator without losing its sufficiency. तो अभी क्लियर है आप लोगों को मिनिमल सफिशियंट एस्टिमेटर्स क्या होते हैं? Yes, sir. देखो कोई भी एस्टिमेटर है सफिशियंट एस्टिमेटर, अब सपोज इसी एग्जांपल को दोबारा कंसीडर करते हैं, ठीक है? सपोज हमने क्या किया, ये समेशन xi, ये 10 ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, दिस एस्टिमेटर इज बेस्ड अपॉन 10 ऑब्जर्वेशंस, एंड दिस एस्टिमेटर इज बेस्ड अपॉन 7 ऑब्जर्वेशन, एंड दिस एस्टिमेटर इज बेस्ड अपॉन 5 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेटर को रिड्यूस कर रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशंस को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? अब हमें ये पता है भाई, जो 10 ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, दिस इज समेशन xi, ये क्या है, थीटा के लिए सफिशियंट है. सपोज सपोज दिस समेशन xi बेस्ड ऑन 10 ऑब्जर्वेशंस इज सफिशियंट फॉर थीटा, फिर हमने क्या किया, इस एस्टिमेटर को रिड्यूस कर दिया. अब रिड्यूस करने पे फिर हम चेक कर रहे हैं, अब चेक करेंगे तो ये क्या होगा, फिर से सपोज क्या हुआ, ये सफिशियंट हो गया, ठीक है? देन हमने इसको फर्दर रिड्यूस किया, समेशन xi व्हिच इज बेस्ड अपॉन 5 ऑब्जर्वेशंस ओनली, अब ये हमने चेक किया तो ये सफिशियंट नहीं आया. क्लियर? तो आप देख रहे हैं भाई, ये एस्टिमेटर भी सफिशियंट है, ये एस्टिमेटर भी सफिशियंट है, लेकिन जो सेकंड एस्टिमेटर है, अगर इसे मैं t1 कहूं, इसे t2 कहूं, तो t2 is the reduced form of t1. हमने क्या किया है, t2 को t1 से रिड्यूस करके डेवलप किया है ना, और t2 क्या है, फिर से सफिशियंट है, लेकिन फिर हम वही वर्क कर रहे हैं भाई, t2 को फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं t3 में, लेकिन अब t3 सफिशियंट नहीं आ रहा है, अब सफिशियंटी प्रॉपर्टी क्या हो गई, लूज हो गई, इस एस्टिमेटर ने क्या कर दिया, अब सफिशियंटी को खो दिया, ठीक है? जबकि t2 क्या है, सफिशियंट है, अब t1 भी सफिशियंट है, लेकिन हम देख रहे हैं भाई, t1 से हमने क्या किया है, t2 डेवलप किया, और t2 क्या है, t1 की रिड्यूस्ड फॉर्म है, अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, t2 को रिड्यूस नहीं कर सकते, यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया भाई, t2 तो सफिशियंट है, लेकिन हम इसे फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये t2 इस केस में क्या हो जाएगा, मिनिमल सफिशियंट होगा. अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट नहीं हुआ? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है मिनिमल सफिशियंसी का? ठीक. तो अब जब डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन में क्या होगा भाई, सिंपली अब जब हम सफिशियंसी की डेफिनेशन कह रहे थे, तो हम कह रहे थे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस फॉर गिवन एस्टिमेटर, दिस शुड बी independent of theta. That means the conditional distribution of sample observations for given estimator t should be independent of theta. Then t is sufficient for theta.
ये डेफिनेशन क्राइटेरिया था। अब फर्दर हमने क्या कहा भाई, T1 हमारा क्या है, सफिशियंट एस्टिमेटर है, और फर्दर हमने T2 को क्या किया है, रिड्यूस किया है, ठीक है। तो अब इसे हम थोड़ा सा और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज T इज सफिशियंट फॉर थीटा, ओके, एंड सपोज U, U दैट मींस एनी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ T इज सेट टू बी मिनिमल सफिशियंट, इज सेट टू बी मिनिमल सफिशियंट इफ एंड ओनली इफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T फॉर गिवन एस्टिमेटर U इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब ये हम मिनिमल सफिशियंसी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें कहें तो इसमें हम कह सकते हैं T2 इज मिनिमल सफिशियंट इफ एंड ओनली इफ द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T1 फॉर गिवन T2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। T1 की रिड्यूस्ड फॉर्म T2 है, ठीक है। तो T1 का अब जो कंडीशनल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, T1 की रिड्यूस्ड फॉर्म T2 है। T1 में इसका मतलब क्या था, T2 अगर मिनिमल सफिशियंट है तो इसका मतलब था T1 में थीटा की इंफॉर्मेशन भी थी और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी थी, तो हमने उसे रिड्यूस करके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हटा दी और ऐसा एस्टिमेटर बना दिया जो सिर्फ क्या करता है, थीटा की इंफॉर्मेशन रखता है। तो इस केस में T1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ T2, ये क्या होना चाहिए, थीटा के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हम कहेंगे T2 हमारा क्या होगा, सफिशियंट एस्टिमेटर होगा, या U हमारा, सॉरी, T2 हमारा मिनिमल सफिशियंट होगा या U हमारा मिनिमल सफिशियंट एस्टिमेटर होगा, ठीक है। तो इसे अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं ए। अब ये मैं डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। ये कुछ एक दो डेफिनेशन हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो ए सफिशियंट स्टैटिस्टिक विच इज ए फंक्शन ऑफ ऑल अदर सफिशियंट स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड मिनिमल सफिशियंट स्टैटिस्टिक, ठीक है। और या इसे हम कह सकते हैं दैट इज इट कांट बी रिड्यूस्ड फर्दर विदाउट लूजिंग सफिशियंसी, ठीक है। तो हमने देखा था एग्जाम्पल से T1 थीटा का सफिशियंट एस्टिमेटर था, हमने T1 को रिड्यूस किया T2 में, T2 भी थीटा का सफिशियंट एस्टिमेटर था। फिर सपोज हम T2 को फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं T3 में, और T3 क्या है, फिर से सफिशियंट है। फिर हमने T3 को T4 में रिड्यूस किया, अब लेकिन ये क्या है, सफिशियंट नहीं है। तो मिनिमल सफिशियंट एस्टिमेटर क्या होगा इस केस में, T3 होगा, ठीक है। जैसे ही हम T3 को फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं तो सफिशियंसी क्या हो रही है, लूज हो रही है, सफिशियंसी खत्म हो रही है, ठीक है। अब देखो जो मिनिमल एस्टिमेटर है T3, ये ओबियस हो गया भाई, जितने भी सफिशियंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट करते हैं थीटा के। अब थीटा के देखो तीन सफिशियंट एस्टिमेटर है, फर्स्ट वन इज T1, सेकेंड इज T2, थर्ड इज T3, और T3 मिनिमल सफिशियंट है। तो ये मिनिमल सफिशियंट की डेफिनेशन हो गई भाई, ये मिनिमल सफिशियंट क्या होगा, T2 का भी फंक्शन होगा और T1 का भी फंक्शन होगा। जैसे हमने इस केस में देखा था समेशन एक्स आई, दिस इज बेस्ड अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन, दिस इज सफिशियंट फॉर थीटा, एंड समेशन I127, दिस इज ऑल्सो सफिशियंट फॉर थीटा, एंड दिस समेशन एक्स आई इज मिनिमल सफिशियंट। एंड वी नो दैट समेशन एक्स आई, दैट मीन्स समेशन एक्स आई अप टू 10 इज जनरली ए फंक्शन ऑफ समेशन एक्स आई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस X8 प्लस X9 प्लस X10,
समेशन एक्स आई को इस तरह से लिखा जा सकता है, दैट मीन्स समेशन एक्स आई इज ए फंक्शन ऑफ समेशन एक्स आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। तो मिनिमल सफिशियंट स्टेटिस्टिक इज डिफाइंड एज ए सफिशियंट स्टेटिस्टिक विच इज ए फंक्शन ऑफ ऑल अदर सफिशियंट स्टेटिस्टिक और इट कान बी रिड्यूस्ड फर्दर विदाउट लूजिंग सफिशियंसी। तो आई होप कि आपको मिनिमल सफिशियंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये स्टेटमेंट पूरा आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। ए सफिशियंट स्टेटिस्टिक विच इज ए फंक्शन ऑफ ऑल अदर सफिशियंट स्टेटिस्टिक इज नोन एज, इज नोन एज मिनिमल सफिशियंट स्टेटिस्टिक। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? क्यों? देन नेक्स्ट है एंसिलरी स्टेटिस्टिक। अब एंसिलरी स्टेटिस्टिक क्या होती है, इसका भी मैं डेफिनेशन आपको देता हूं, देखो समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। स्टेटिस्टिक वोज डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटिस्टिक वोज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, ठीक है। ए स्टेटिस्टिक हुज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा इज नोन एज एंसिलरी स्टेटिस्टिक। क्लियर, जैसे अगर आप सैम्पलिंग करते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, विथ मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो एक एस्टिमेटर हमने डेवलप किया एक्स बार, ये सपोज एन यूनिट का सैंपल हमने कंसिडर किया है, ठीक। तो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय n। हियर x बार इज एन स्टैटिस्टिक, लेकिन हम देख रहे हैं भाई इस स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सो दिस स्टैटिस्टिक इज नॉट एन एंसिलरी स्टैटिस्टिक, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम एक नई स्टैटिस्टिक z डेवलप कर लें, z इज बेसिकली x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाय रूट n। ओके, नाउ इफ वी फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड, वी गेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड एज एन 0,1, ओके, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ओके। सो हियर जेड बिकम्स एन एंसिलरी स्टैटिस्टिक। तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक क्या होती है, समझ में आ गया सबको? ऐसे स्टैटिस्टिक जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर होगा। तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक, टी स्टैटिस्टिक, एफ स्टैटिस्टिक, ये सारे क्या होते हैं, एंसिलरी स्टैटिस्टिक होते हैं, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया सबको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एंसिलरी स्टैटिस्टिक क्या होती है? क्यों? ओके, तो ये कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है कंप्लीटनेस, ठीक है। तब हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, हमने कहा भाई एस्टिमेटर्स हैं हमारे पास या स्टैटिस्टिक्स हैं, तो इनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो हमने कहा भाई लेट टी बी एनी स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक इज जनरली अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। सो इफ टी इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन हैविंग पीडीएफ जी टी कॉमा थीटा, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया भाई हमारा एस्टिमेटर टी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर है वो जी टी कॉमा थीटा की फॉर्म में है, ठीक है। देन द स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड कंप्लीट व्हेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ any function of this t is equal to 0 imply that the function of t is equal to 0,
ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जी टी कॉमा थीटा, ये कंप्लीट फैमिली कहलाएगा, या जो एस्टिमेटर जो स्टेटिस्टिक है वो कंप्लीट एस्टिमेटर कहलाएगा, कंप्लीट स्टेटिस्टिक कहलाएगी। अगर आप क्या करें, कोई ऐसा फंक्शन डेवलप करें टी का जिसकी एक्सपेक्टेशन जीरो पुट करने पे आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिले, जीरो मिले। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको सिंपली ध्यान में रखना है। तो ये हम यूज करते हैं इस रिजल्ट को टू फाइंड कंप्लीट स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, जैसे हमने देखा था अनबायसलेस के लिए कंडीशन क्या थी भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी दिस शुड बी इक्वल टू थीटा, तो हम कहते थे टी हमारा क्या है, थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सिमिलर वे में जब हम देखते थे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी टेंस टू थीटा एंड वेरियंस ऑफ टी टेंस टू जीरो एज एंड टेंस टू इन्फिनिटी, तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फाइंड करते थे, है ना। सिमिलर वे में वेरियंस को कंपेयर करके हम एफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड करते थे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के हम सफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड करते थे। तो इसी तरह से अगर कंप्लीट फैमिली हमें फाइंड करनी है या चेक करना है कि कोई एस्टिमेट सॉरी कोई एस्टिमेटर कंप्लीट एस्टिमेटर है या नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, टी का कोई फंक्शन डेवलप करेंगे एच टी और उसकी एक्सपेक्टेशन जीरो पुट करेंगे, देन हम देखेंगे क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एस टी की वैल्यू जीरो मिल रही है। अगर एस टी की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है भाई टी हमारा क्या है, कंप्लीट स्टैटिस्टिक है। क्लियर, तो कंप्लीटनेस समझ में आया सबको क्या है। कंप्लीटनेस बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटर। ठीक है, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन एस्टिमेटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटर। ठीक, कंप्लीटनेस हम कहते हैं भाई एस्टिमेटर अगर एस टी इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है फैमिली क्या है, कंप्लीट फैमिली है उसकी। ठीक है, फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट फैमिली है। तो ये कुछ टर्म हैं जो अब हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ यूज करने वाले हैं, अभी हमने एमबीयूई खत्म नहीं किया है, एमबीयूई अभी भी हमारा चल रहा है। ठीक है, तो एमबीयूई पे हमने देखा था भाई फर्स्ट मेथड था यूजिंग क्रेमर राव इनइक्वालिटी, और हमने उसकी लिमिटेशंस देखी भाई। क्रेमर राव इनइक्वालिटी में क्या है, रेगुलरिटी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो रेगुलरिटी कंडीशंस हर डिस्ट्रीब्यूशन तो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो जिन डिस्ट्रीब्यूशंस में रेगुलरिटी कंडीशंस होल्ड नहीं करेगी तो उन डिस्ट्रीब्यूशंस में कैसे हम एमबीयूई फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या हुआ, राव ब्लैकवेल ने एक थ्योरम डेवलप की। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट में देखो यहाँ पर शॉर्ट पे नोट कर रहा हूँ और क्या होता है, फिर इसे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ठीक, तो सपोज लेट यू बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड टी बी ए सफिशियंट सफिशियंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा, देन लेट फाई टी ए फंक्शन ऑफ टी विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाई टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ यू फॉर गिवन वैल्यू ऑफ टी, ओके, एंड दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस फाई टी इज इक्वल टू थीटा एंड वेरियंस ऑफ दिस फाई टी इज लेस देन और इक्वल टू वेरियंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर यू। सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज ब्लैकवेलाइजेशन। तो बाई यूजिंग ब्लैकवेलाइजेशन वी कैन फाइंड मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, हियर फाई टी इज एम बी यूई ऑफ थीटा। ठीक है, तो क्या होता है ब्लैकवेलाइजेशन, सपोज करिए हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, उसमें पैरामीटर के एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है यू और एक सफिशियंट एस्टिमेटर है टी, एंड दिस टी नॉट नेसेसरली बी अनबायस्ड, ये टी सफिशियंट है, जरूरी नहीं है ये अनबायस्ड हो, और ये अनबायस्ड एस्टिमेटर तो जरूरी नहीं है ये सफिशियंट हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द
तभी ब्लैकुलाइजेशन यहाँ पर इसकी यूटिलिटी समझ में आती है। ठीक है, तो यू क्या है, थीटा का कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और टी थीटा का सफिशियंट एस्टिमेटर है। तो ब्लैकुलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अनबायस्ड एस्टिमेटर और सफिशियंट एस्टिमेटर की हेल्प से मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड करते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, एक फंक्शन डेवलप किया फाई टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड इज द कंडीशनल फंक्शन ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर गिवन एस्टिमेटर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ सफिशियंट एस्टिमेटर। सो दिस फाई टी विल बी एमबीवी ऑफ थीटा इफ दिस फाई टी होल्ड्स दीज टू कंडीशंस। क्लियर, तो ब्लैकुलाइजेशन क्या है, समझ में आया सबके, प्रोसीजर क्या है। सिंपली हमने क्या करना है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में एक फंक्शन डेवलप करना है टी का, और ये ध्यान में रखना है ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ये तभी आएगा जब ये टी क्या होगा, मिनिमल सफिशियंट होगा। अभी हमने ऊपर देखा था मिनिमल सफिशियंसी की कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी फॉर गिवन यू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, वहां पर यू क्या था, यू इज मिनिमल सफिशियंट। तो उसे इससे कंफ्यूज नहीं करना है, इसी उसे कंफ्यूज नहीं करना है। सपोज इसे हम इस तरह की फॉर्म में लिख लेते हैं, वेयर टी टू इज मिनिमल सफिशियंट स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन डेवलप कर सकते हैं जो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। तो उस केस में ये फाई टी दैट मीन्स ये फंक्शन ये क्या होगा, एमबीयूई ऑफ थीटा होगा। दिस प्रोसीजर इज नोन एज ब्लैकुलाइजेशन। तो क्लियर है सबको ब्लैकुलाइजेशन क्या होता है। ब्लैकुलाइजेशन समझ में आया सबके, दिस थ्योरम इज नोन एज राव ब्लैकवेल थ्योरम। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, थीटा के दो एस्टिमेटर हैं, सपोज यू एंड टी। यू इज अनबायस्ड, ओके, एंड टी इज सफिशियंट। थीटा के दो एस्टिमेटर हैं, एक एस्टिमेटर है अनबायस्ड, दूसरा है सफिशियंट। ठीक, तो इन दोनों का यूज करके, इन दो एस्टिमेटर्स का यूज करके एक नया एस्टिमेटर मैंने डेवलप कर लिया फाई टी, जो बेसिकली होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू फॉर गिवन टी। सफिशियंट एस्टिमेटर का यूज करके मैंने अनबायस्ड एस्टिमेटर को फर्दर रिड्यूस कर लिया। ठीक है, फर्दर डेवलप कर लिया, एक नया एस्टिमेटर मुझे मिला फाई टी। अब ये कंडीशन होनी चाहिए भाई, ये फाई टी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। ऐसा एस्टिमेटर डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ सफिशियंट एस्टिमेटर दैट द न्यू एस्टिमेटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अगर ये रिजल्ट हमें मिल जाता है, दिस इम्प्लाइज दैट द फाई टी विल बी एमबीयूई ऑफ थीटा। अब क्लियर है, अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ब्लैकुलाइजेशन का। एक्चुअली वी आर फाइंडिंग एमबीयूई विद द हेल्प ऑफ सफिशियंट एस्टिमेटर बाय डेवलपिंग एन एस्टिमेटर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड यूजिंग अनबायस्ड एस्टिमेटर एंड सफिशियंट एस्टिमेटर। ओके, सो टू फाइंड एमबीयूई वी आर यूजिंग सफिशियंट एस्टिमेटर। दिस एस्टिमेटर दैट मीन्स दिस फाई टी इज सिंपली इज एक्सपेक्टेशन ऑफ यू फॉर गिवन टी, दैट मीन्स कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ यू फॉर गिवन टी एंड दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ओके, सो फाई टी विल बी एमबीयूई ऑफ थीटा। तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ब्लैकुलाइजेशन सबके समझ में आ गया। तो यही चीजें थी सिलेबस में, बेज एस्टिमेशन तो है नहीं सिलेबस में। ठीक है,
तो बेज एस्टिमेशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस पे बेस्ड कुछ कंफ्यूजन अगर आपको रहता है, कोई प्रॉब्लम आपको रहती है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने यूट्यूब चैनल पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कुछ और एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना करते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी।